सुप्रभात दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा 2022 अप्रैल में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है आ गई है और इसकी बहुत सारी क्राइटेरियाज है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस फॉर्म को किस तरह से भरना है और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले योग्यता देखते हैं। तो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो आगे जो है हम पोस्ट देख लेते हैं, टोटल कितना पोस्ट है। तो 350 पोस्ट है जिसमें कि अनारक्षित मतलब कि जनरल की जो है वो 141 है, अनुसूचित जनजाति की जो है वो 88 है, अनुसूचित जाति की 37, पिछड़ा वर्ग की 23 और पिछड़ा वर्ग 2 की 24 है। और तो टोटल जो है 350 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो इस पोस्ट को भरने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50-बेडेड हॉस्पिटल में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपके जो एडुकेशन है जो आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जो जीएनएम किया है उसके बाद का होना चाहिए। और स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स की जो सर्टिफिकेट है जिसे कि रजिस्ट्रेशन बोलते हैं वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। और आप जो ये 50-बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस बनवाएंगे ये अनुभव प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें ही आपको बनवा करके और तब फॉर्म भरने के टाइम में इसको अपलोड करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके लिए आपको पहले से बहुत सारी तैयारियां जो है वो करके रखनी है। तो एज जो है वो कितना होना चाहिए, एज के बारे में भी है। तो जनरल वाले लोग जो है वो 35 होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग वाले लोग का एज जो है वो 37 वर्ष तक चलेगा, महिलाओं के लिए 38 होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला हो या पुरुष है उनके लिए 40 वर्ष। तो आवेदन जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2/5/2022 से 31/5/2022 तक होगा, और परीक्षा जो शुल्क है वो भुगतान करना जो है वो 4/6/2022 की मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। और फ़ोटो और हस्ताक्षर जो अपलोड करना है वो आप 7/6 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। और अगर करेक्शन करना है, हो सकता है कि आप कुछ गलत कर दिए हो फॉर्म में, तो वो करेक्शन करने की तिथि जो है वो 8/6/2022 से 10/6/2022 तक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर्म जो है वो आप डायरेक्ट एक ही दिन में नहीं भर सकते हैं, एक दिन आपको फॉर्म भरना है, दूसरे दिन जो है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे, और तीसरे दिन जा कर के आपका जो पैसा वो जमा होगा। इस तरह से 3 दिन लगेंगे आपको एक फॉर्म को भरने में। तो इस वैकेंसी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आपको रिटर्न एग्ज़ाम भी लिया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन गलत उसका आंसर किया है तो उसके बदले में आपके 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर सही किया है तो उसके बदले में 4 अंक मिलेंगे, और एक गलत कर लिया है तो उसमें से 1 नंबर कट हो जाएंगे, तो 3 जो है आपको अंक मिलेंगे। तो अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि है सिलेबस। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किस तरह से सेट किया गया है, बहुत इजी सिलेबस जो है वो सेट किया गया है जो कि एक एएनएम स्टूडेंट को जो पढ़ाई होता है वो सब, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट से जो कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही ईजी है। एएनएम को ये सारी चीज़ पढ़ने होते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी आसान होगा। आप मेरे वीडियो में भी इन सारे कुछ चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।